अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके साथ सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें शेयर करने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना, और चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। बस 15% लोग हैं जो सब्सक्राइबर, बाकी बस वीडियो देख के चले जाते हैं, आप देख भी सकते हो स्क्रीन पे। तो चलो आपके साथ पहली खबर शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे है, ये फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ सऊदी जनगणना को लेकर। आप पहले ये सवाल देख लो स्क्रीन पे, यहाँ पे एक भाई का सवाल है। भाई एक आया सऊदी, आया था रूम पे, और वो रूम पे मेरे से इकामा लिया, और इकामा लेने के बाद वो कुछ एंट्री किया और बोला कि ये सेंसस के लिए है, और तो क्या मुझे ऑनलाइन भी रजिस्टर करना होगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने आपका इकामा लिया और आया था रूम पे, एंट्री कर लिया, तो आपके पास OTP भी आया होगा, आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर आया भी होगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो अगर आपने कर लिया है, ऑफलाइन कर लिया, तो कोई बात नहीं, अब ऑनलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी एक तरीके से करना है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि ऑनलाइन का जो कल लास्ट डेट है, 25 मई लास्ट डेट है, इसके बाद जो है अब आपको ऑफलाइन ही करना होगा। आपके पास ज़रूर कोई ना कोई आएगा, आने के बाद आपसे सवाल पूछेगा, आपसे जो जो पूछेगा सारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट देना है उसको। ये सऊदी जनगणना में आपको पार्टिसिपेट ज़रूर करना है, अगर नहीं करते हो तो 500 से 1000 रियाल का फ़ाइन भी आएगा, तो आप लोग ज़रूर कर लेना। इसके अलावा अगली खबर जो शेयर करने वाले, यहाँ पे एक दो सऊदी शहरी ने एक पेट्रोल टैंक में ही जो है आग लगा दी, एक पेट्रोल पंप पे टैंक में आग लगा दी। आग लगाने के बाद वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, बट इतने में ही पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया गया। उसमें से एक सऊदी शहरी जो था वो घायल भी हो गया था। जाहिर सी बात है, आग में जाओगे तो वहाँ पे मरने का काम कर रहे हो, तो उसमें जो है एक बंदा घायल भी हो गया, तो उसको हॉस्पिटल में ले गया ट्रीटमेंट के लिए, बाकी को जो है अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा ताबुक में दो बस के अंदर टक्कर हुई, टक्कर होने की वजह से जो है एक वो बस स्टूडेंट की थी, जिसमें एक स्टूडेंट की डेथ भी हो गई और 12 लोग जो है घायल है। इसके अलावा एक अगली खबर आपके साथ शेयर करने वाली, ये एक होटल में एक वर्कर है जो काम करता है। काम करने के टाइम पे आपको पता है कोई सामान लेके, खाने की सामान लेके जा रहा है, तो वो बिना ग्लव्स का, हाथ में ग्लव्स नहीं लगाया, बिना ग्लव्स का लेकर जा रहा है, तो ये बहुत ही अनहाइजीनिक होता है, अनहेल्दी होता है, ये पसंद नहीं आता। और आपको कभी भी काम करना चाहिए तो ग्लव्स का। इसकी वीडियो जो है वायरल हो गई सोशल मीडिया पे। अब वायरल होने के बाद वो होटल से पूछा गया, तो भाई होटल ने कहा कि ये मेरे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वर्कर की खुद है, मैंने ऐसे नहीं बोला था कि ऐसे करने के लिए उसको प्रॉपर ग्लव्स का यूज करना चाहिए। तो आप लोग को बता दूँ, आप लोग ऐसी जगह कहीं भी काम करते हो तो आप लोग प्रॉपर ग्लव्स का यूज करो, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता, कोई भी खाना ऐसा पसंद नहीं करता है कि आप हाथ लगा के लेकर जाओ, तो इसके ऊपर अब कोई भी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा अगर आज की कोरोना की रिपोर्ट में बताऊं तो 557 केस आया। अभी जो है डेली कोरोना कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम, 100-200। इसके अलावा अगला जो एक वायरस आ ही गया यहाँ पे, आपको पता है मंकी पॉक्स, तो इसके बारे में जब जब रिसर्च हुई तो ऐसा नहीं है कि ये मंकी से आता है, ये बंदर से आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये नाम है इस वायरस का, बट अभी इसकी इलाज भी नहीं है। ये मंकी पॉक्स जो है अभी धीरे धीरे फैल रहा है, और ये भी वैसे ही फैलता है, एक से दूसरे में होता है, ये सेम चिकन पॉक्स की तरह ही है। इसके अलावा एक जो खबर आई है, वो ये जो है मरूर की तरफ से आई है। यहाँ पे बताया ये गया है कि अब जो है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, ये जो है ट्रैफिक वायलेशन के लिए एक नया नियम बनने वाला है। जो भी ट्रैफिक का फाइन होता है, अब उसके लिए कुछ ना कुछ नियम बनने वाला है। यहाँ पे प्रॉपर बताया नहीं गया वो नियम क्या होगा, क्या हमें जल्दी पे करना होगा जो भी फाइन होगा। ये बताया गया कि कोरोना वायरस की वजह से जो है यहाँ पे ये नियम बनने वाला है। सारे जो मिनिस्टर ने यहाँ पे जो मीटिंग करके ये डिसीजन लिया है। इसके अलावा एक भाई का सवाल था, भाई मेरा कफिल फाइनल एग्जिट लगा दिया है, क्या ट्रांसफ़र हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, कभी भी फाइनल एग्जिट लग गया तो आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। एक ही सूरत में हो सकता है, अगर आप अपने कफिल को किसी तरह से मना लो और वो फाइनल एग्जिट कैंसिल कर देता है, तभी हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। आप कोई भी कोशिश कर लो, ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये थी आज की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबर आप लोग के साथ शेयर की। आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, इसका पैसा थोड़े ही लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।